यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं इस मोबाइल का पूरा कंट्रोल इस मोबाइल में हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं स्क्रीन हटाता हूँ तो देखिए इस मोबाइल में भी हट गया, यहाँ से ऐसे करता हूँ तो इस मोबाइल में हो गया, अगर यहाँ से मैं किसी को कॉल लगाता हूँ तो इस मोबाइल में भी ओपन हो रहा है, और अगर यहाँ से दोस्तों मान लीजिए अगर मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ तो यहाँ इस मोबाइल में भी ओपन हो रहा है। और दोस्तों आप अपने मोबाइल से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से आप इसको हटाते तो इसमें ऑन हो गया, अगर यहाँ से आप किसी को कॉल भी करते तो इसके मोबाइल में ऑन हो रहा है, मतलब कि आप इस मोबाइल का पूरा कंट्रोल अपने मोबाइल में आसानी से लाइव प्रूफ कर चुके हैं और यहां से आप आसानी से इसका मोबाइल चला। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस ट्रिक का गलत काम में इस्तेमाल मत कीजिएगा, मेरा ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बताया है। सपोज दैट मान लीजिए अगर आप अपने घर से बहुत ज्यादा दूर हो, देन आपकी वाइफ को मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो आप दूर हो तो आप अपने मोबाइल से अपनी वाइफ का मोबाइल पूरा कंट्रोल कर सकते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। एंड अगर मान लीजिए अगर आपको कोई भी वीडियो फोटो आपकी वाइफ के मोबाइल से अपने मोबाइल में लेना है तो आप बहुत आसानी से ले सकते हो, यानी आप अपने मोबाइल से अपनी वाइफ के मोबाइल को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हो। इसी पर्पस से मैंने सिर्फ एजुकेशनल के लिए ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप इस ट्रिक का किसी भी गलत काम में इस्तेमाल मत करना, वरना अगर आप करते हो तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक मोबाइल का पूरा कंट्रोल दूसरे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। हाँ तो गाइस जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मोबाइल के पूरा कंट्रोल अपने दूसरे मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। अगर ये कुछ भी मतलब कि व्हाट्सअप चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, चाहे किसी को कॉल करेगा, वो सारा चीज आप अपने मोबाइल में देख लोगे और कंट्रोल कर लोगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यदि आप मान लीजिए अगर आप घर से बाहर हो तो आप अपनी वाइफ के मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो अगर उसको मोबाइल चलाने नहीं आता है तो, एंड अगर कोई फोटो वीडियो लेना हो तो आप आसानी से यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, जो भी सेटिंग बताऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा, बिना स्किप के देखना है। इधर से उधर अगर कुछ भी आप करते हैं तो आपके फोन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये वाला मोबाइल जो है ये आपका है और ये वाला मोबाइल किसी दूसरे पर्सन का है। सपोज डेट मान लीजिए ये आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ का है, ठीक है, और ये मोबाइल का कंट्रोल आप अपने मोबाइल में करना चाहते हो, और मान लीजिए अगर आप बाहर कमाते हो, बाहर रहते हो, तो आप कंट्रोल इसीलिए करना चाहते हो, तो करना ये है दोस्तों आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम यहां पर देख सकते हैं टीम व्यूअर, देख सकते हैं दोस्तों टीम व्यूअर, ये एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से दोस्तों यहां से टीम व्यूअर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों, टीम व्यूअर रिमोट कंट्रोल। चलिए को ओपन करते हैं। जब दोस्तों एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में ओपन करोगे तो देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। तो यहां पर दोस्तों जो लिखा हुआ है एग्री एंड कंटिन्यू, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पे क्लिक कर लिए दोस्तों, अब यहां पर इसको ऐसे करके गेट स्टार्टेड पे फिर से टैप करना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों जब आप इतना आपने कर लिया तो यहां पर अब आपको बोला जा रहा है पार्टनर आईडी, ठीक है, मतलब एक पार्टनर आईडी चाहिए, और जैसे ही वो आईडी आप यहां पे डाल दोगे तो यहां पर मोबाइल जो है आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो बस इतना कर लेने के बाद अब आपको ये मोबाइल रख देना है। अब आपको वो मोबाइल लेना है जिसका कंट्रोल आप अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं। मान लीजिए अगर ये आपकी वाइफ है और इसके मोबाइल का कंट्रोल आप अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइफ का मोबाइल लेना है, एंड इसके मोबाइल में आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि उसी में ये पार्टनर आईडी आपको मिलता है। तो दूसरा जो एप्लीकेशन इस जो इसके मोबाइल में डाउनलोड करना है उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर में ही ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप एप्लीकेशन का नाम याद रखें, टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। इसमें आपने डाउनलोड किया टीम व्यूअर रिमोट कंट्रोल, और इसमें डाउनलोड करना है जिसका आप लेना चाहते हैं टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट। ये एप्लीकेशन आपको अपनी वाइफ के या फिर जिसका मोबाइल लेना चाहते हैं कंट्रोल उसी के मोबाइल में डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको नॉर्मली ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर बोल रहा है एग्री एंड कंटिन्यू, देखने में ये सेम है क्योंकि एक ही कंपनी की ये दोनों एप्लीकेशन है, बस फर्क थोड़ा सा इधर उधर है नाम से। अब आपको ये एग्री एंड कंटिन्यू है इसी पर टैप करना है। टैप करोगे दोस्तों और इसको ऐसे फिर से इसको भी ऐसे करके यहाँ डन जो लिखा हुआ है डन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोल रहा है सेटिंग का कुछ सेटिंग, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से इसको अलाउ करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ये है क्विक सपोर्ट, इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो अलाउ हो गया दोस्तों, अब बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों ये जो लिखा हुआ है डाउनलोड का ये बॉक्स पर क्लिक करना और इसको डाउनलोड पर क्लिक करना, तो ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर पर ले जाएगा यानी आपको ये एप्लीकेशन एक डाउनलोड करना है। मतलब दोस्तों ये जो होता है ना एड प्रचार करना, उसी का ये प्रचार कर रहा है। वो एप्लीकेशन तभी काम करेगा जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। तो इसको नॉर्मली बस आपको डाउनलोड कर लेना है, दूसरा कुछ करना नहीं है, बस इसको नॉर्मली आपको डाउनलोड करना है, इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होगा। देखो दोस्तों यहां पे ये ओपन भी नहीं हुआ, बस अब वो एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड किया था वो यहां पर काम करना शुरू करेगा। बैक आ जाओ दोस्तों,
बस दोस्तों हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको यहाँ से स्क्रॉल करो और यहाँ पर देखिए दोस्तों, टीम व्यूअर का जो आईडी है वो अब यहाँ पर आ गया। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आईडी आ गया, योर आईडी, यहाँ पर आईडी नंबर मिल गया। अब यही आईडी नंबर आपको इस मोबाइल में यहाँ पर जो पार्टनर आईडी है यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों, इस मोबाइल का यूजर जो आईडी है वो हम यहाँ पर इस मोबाइल में डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी के सामने डालते हैं, लाइव प्रूफ देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको आईडी पूरा डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया, आईडी पूरा हो गया दोस्तों, मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर जो दोस्तों लिखा हुआ रिमोट कंट्रोल, इसी पर आपको टैप करना है। टैप करोगे दोस्तों तो देखिए आप सभी के सामने, यहाँ पर थोड़ा देर वेट कीजिए और देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस मोबाइल में कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट करना चाहते हैं तो हाँ इसको अलाउ कर दो दोस्तों, इसको इनेबल कर दो। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन का जो नाम है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन देखो कहाँ बोल रहा है, टीम व्यूअर, ये जो ऐड ऑन है इसको यहाँ से भी इसको अलाउ कर दो। ठीक है दोस्तों, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर बैक आओ दोस्तों, देखो दोस्तों अब यहाँ पर हो जाएगा। स्टार्ट हम करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए दोस्तों, इस मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो इस मोबाइल में डायरेक्टली हो चुका है। अब यहाँ पर बैक भी अगर हम आते हैं, देखिए दोस्तों अगर ये बैक आता है तो यहाँ पर बैक हो गया। देखिए अगर ये कुछ भी चलाता है तो यहाँ पर कुछ हो गया। मानते हैं कि ये अगर ये व्हाट्सअप चलाएगा, फाइल मैनेजर कुछ भी दोस्तों, नॉर्मली मान लीजिए अगर कॉल ओपन करता है तो देखिए कॉल यहाँ पर आपके मोबाइल में भी ओपन होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों ये यूट्यूब चलाता है तो यूट्यूब आपके मोबाइल में भी ओपन होगा। माने दोस्तों इस मोबाइल का पूरा कंट्रोल आपके इस मोबाइल में हो चुका है। अगर ये पर्सन कॉल किसी को कॉल करेगा तो आपके मोबाइल में कॉल शो करेगा, अगर ये पर्सन किसी से व्हाट्सअप पर चैट करेगा तो भी आपके मोबाइल में चलेगा। आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉल भी लगा दोगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आप अपने मोबाइल में पूरा कंट्रोल कर लोगे। इतनी खुशी। यहाँ पर आपकी मोबाइल का पूरा कंट्रोल यहाँ पर दूसरे मोबाइल में हो चुका है और यहाँ से आप अपने मोबाइल से चाहो तो पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ से मैसेज देख सकते हो कि आपकी वाइफ किस किस से मैसेज से बातें करती है। देखिए दोस्तों इस मोबाइल में मैसेज ओपन हुआ तो इस मोबाइल में भी मैसेज ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर किसी को कॉल करेगी तो वो भी आपके मोबाइल में यहाँ पर शो करेगा। यानी इस मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है देखिए यहाँ पर हो गया है, पूर्ण रूप से हो गया दोस्तों, देख सकते हैं पूर्ण रूप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कितना ईजिली था, लाइव प्रूफ आप सभी ने देख लिया दोस्तों। रुको जरा, सबर करो तो। लेकिन दोस्तों आप इस ट्रिक का तभी इस्तेमाल करना जब मान लीजिए आपकी वाइफ को मोबाइल चलाने नहीं आता हो, आप घर से दूर हो, तो यहाँ से आप अपनी वाइफ के मोबाइल का कंट्रोल सारा कर सकते हैं। लेकिन आप इसको गलत काम में बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, मैं किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। करता हूँ आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन दोनों प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, एंड ऐसे ही नए नए ट्रिक वाली वीडियो आपको देता रहूँ उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जहां तक हो सके आप शेयर करो ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और देखते रहिए हमारे फेसबुक चैनल टेक्निकल सुजीत चैनल को।